कही रहे हैं अब तो ये सरकारी घर छिन जाएगा। छीन नहीं जाएगा, देना पड़ेगा, कोई छीनने नहीं आएगा। तो खाली वाली कीन जाए फिर। तो क्या आधा घंटे में चिट्टिंग हो रही क्या नए सांसद की? मतलब तुम कि अभी रिजल्ट आया, वो दौड़ता हुआ चला आ रहा, घर दो। ए नहीं, अभी बहुत सारा पैसा वैसा सब जो गड़ा कैश वैश फॉल सीलिंग। कहाँ गड़ा कैश फॉल सीलिंग में? सब खर्चा नहीं करा 50 करोड़ रुपया पानी में बहेगा। अरे अभी बहुत सारा पैसा गड़ा है, रुको कहो सोफे हंसनी करिए, रुको ये देखो। अरे यार तुम लोग एकदम, हमने यहाँ तुम लोग को बुलाया है कि इस हार की समीक्षा करो। हम 2 बार के सांसद थे, कैसे हारे? हारे? अरे यार भीषण हारे, 8 लाख वोट से हारे। साला 3 दिन से मीडिया में मुंह नहीं दिखाया है, मीडिया वाले पीछे पड़े हैं। अरे तो वही कह रहा है, इतना बड़ा तख्ता पलट कैसे हो गया? इसकी समीक्षा कब होगी? समीक्षा कर लेंगे, लेकिन कह रहे हैं ये गड्डी अब निकल आई तो हम रख लें। काहे रख ले? कोछेम डाली गई है तुम्हारे जनेऊ में है? कि सरकारी काला धन है जो अलॉट हो गया तुम्हारे नाम पे सांसद जी सोफा फाड़ योजना में। इसका तो मतलब तुम जो है, तुमको जगह पता है, तुम बीच बीच में निकाल लेते हो कि गड्डी रख लेते हो गे? अरे नहीं नहीं बताओ। अरे वो समुद्र से अगर 1-2 बाल्टी ले लेंगे तो कम नहीं पड़ जाएगा? और वैसे भी मान लो कल को फिर से नोटबंदी हो जाए तो हम थोड़ा थोड़ा खर्चा ही करते रहते हैं। पापा, हाँ? आप तो कह रहे थे आप प्रधानमंत्री बनोगे आगे चल के, तो आप तो बन नहीं पाओगे प्रधानमंत्री। बेटा 1-2 किलो नमक और ले आते, घाव पे लगा देते रगड़ के एकदम। कौन सा नमक लाए? सीधा नमक। उधर समीक्षा हो रही यहाँ पे। माना कि हमने काम नहीं किया, लेकिन हमको वोट तो देते। अरे 2 बार नहीं काम किया, 3री बार करते हम काम। लेकिन नहीं, हम वोट नहीं देंगे। दूसरा आदमी के लिए ले, दूसरा आदमी पालो गोदी बिठा के। हट सारा, जनता ही सबसे खराब है, कायर जनता। यार जनता को काहे बदनाम कर रहे हो? कितनी बढ़िया नई संसद बनी थी, लेकिन बेकार हो गई। अब तो दूर से देखने को भी नहीं मिलेगा, जाओ तो कहो मार्ग भगा दे। छोड़ो, 1-2 से नहीं सारा 8 लाख वोट से हार गए। 8 लाख? इसे 8 लाख लोग को पकड़ कर लाइन में सीधा खड़ा करके गोली से साला। यार भगड़ा गए रहे हो। भुनना है तो 8 लाख को नहीं, फिर 9 लाख को भुनना, जिससे कि 1 लाख से जीत तो हो पाए। नहीं पता चला अगली बार फिर चुनाव में 100-200 वोट से हारी गयो। मतलब भगले हो क्या? चुप रहो। इनका छोड़ो, ये बताओ कि वर्ल्ड कप में इंडिया जीत रही कि नहीं जीत रही इस बार? हम तुमको कहे बताए, MPL ओपिनियो पे बताएंगे। क्या मतलब? अरे MPL ओपिनियो में यस नो में आंसर देना रहता है, बड़ा जीत सकते हो। मैच वगैरह से रिलेटेड सब क्वेश्चन आते हैं। अच्छा कैसे, क्या रहता है? अब देखो, इससे पूछ रहा था हैदराबाद मैच जीतेगी, हमने कहा यस हैदराबाद मैच जीतेगी, फिर अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी चुनी, हैदराबाद मैच जीत गए, हम भी जीत गए। मतलब अब सिर्फ यस नो में जवाब दो, ये टीम बनाना, वाइस कैप्टन बनाना, ये सब झंझट है खत्म। तो कौन जीत रहा है इस बार का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है? हमको ना बताओ, MPL ओपिनियो पे बताओ और बड़ा जीतो। डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड करो, मेरे लिंक से फर्स्ट ट्रेड एकदम फ्री है, मस्त लपाला। नेताजी, मीडिया वाले फिर से आए हैं, कह रहे हैं कि नेताजी की इतनी भयंकर हार हुई है, तो हार पे कुछ कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या चाहेंगे, जो कहना चाहेंगे वो लिख ही नहीं पा रहे हैं। लिखा तुमने कुछ? पता नहीं क्या गोच रहे बैठे 3 दिन से डायरी में। जब से एग्जिट पोल है तब से कह रहे हैं हार का भाषण लिख दो कुछ, हार की जिम्मेदारी, हार का ठीकरा अच्छा सा लिख दो, लेकिन नहीं, कहाँ है? अरे अभी लिख रहे हैं, अभी तो पहला ड्राफ्ट हुआ। अरे यार तो कितने ड्राफ्ट लिखोगे? कोई राजकुमार हिरानी की पिक्चर बना रहे हो क्या? कि सौरभ शुक्ला की वीडियो है बुलुआ वाली, जो 1 महीना से बन नहीं पा रही, 2 मिनट का लिखना है, दिखाओ। अरे नहीं, माना थी नहीं। इस हार से थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं चुनाव प्रचार में आग मूत रहा हूँ, लेकिन मैं तो डैश डैश मूत रहा था। ये क्या है? डैश डैश क्या है? डैश डैश की जगह पे मतलब अभी भरना है, मतलब एक खाली स्थान भरें। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मूत रहे थे, आग मूतने का विलोम भरना, जैसे पानी मूत रहे थे कुछ। अच्छा, गर्म पानी मूत रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हो। चुप रहना, नीचे पढ़ो, मेन चीज तो नीचे लिखी है।
जनादेश का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। जनता कहेगी मैं नाले में कूद जाऊं तो मैं नाले में कूद जाऊंगा, जनता कहेगी सीट छोड़ दो तो मैं सीट छोड़। क्या है नाले में कूद जाऊंगा, ये क्या मतलब? मतलब कुएं में कूद जाऊंगा बहुत सिंपल होता है, तो हमने लिख दिया नाले में कूद जाऊंगा, लेकिन जबकि ये भी फर्स्ट ड्राफ्ट है चेंज हो जाएगा, नाले में कूद जाऊंगा चेंज होगा, मतलब कुएं में कूद जाऊंगा हम नहीं लिखना चाहते थे इसलिए हमने नाले में लिख दिया। लिख के ले जा, सही लिख के आई, मारू ना मुंह पे ठक। मीडिया यहाँ वेट कर रही, इनका लिखा नहीं जा रहा, 2 मिनट का भाषण। तो मीडिया वेट कर लेगी, आप सांसद हो, मीडिया वेट करेगी। सांसद है नहीं, सांसद थे 8 लाख से आ रहे। कितनी मजा आ रही ना, मेरे दर्द में कितनी मजा है तुम लोगों को। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं हंसो भाई। अरे वाह वाह ना, वो हार जीत तो लगे करत। नहीं पापा रो रहे हैं। हाँ नहीं, फपक फपक के नहीं रो रहे हैं, हूँ करके रो रहे हैं। वीडियो अच्छा रुको भेजते हैं। रो पापा वीडियो बनना। बेटा चले जाओ, नहीं अगले 5 साल लगातार पीटूंगा, एकदम फ्री हूँ, पूरा बताए दे रहा हूँ, सुबह शाम सुताई करूंगा। ऐसे है पगलाता है आदमी का। परेशान ना हो, अगली बार सब जीतोगे, सब अच्छा होगा, मंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, सब आगे सब होता रहेगा। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, रुक जाना नहीं तू कभी, हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साहेब हार के। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। क्या है इसका, पानी होने लगी क्या यहाँ पे कि मुजरा होने लग गया? मेरी बात को समझो, बात आत्मा चीरे। और यार अब हमको समझ में आ रहा क्यों बड़े बड़े इंतर चले जाते हैं ध्यान करने लगते जाके, तुम लोग की वजह से। अरे नेताजी जल्दी चलो, मीडिया वाले मान नहीं रहे, कह रहे आज ही कुछ बयान लेके जाएंगे। अरे यार तुम्हारा लिखा कि नहीं लिखा कि अभी तक वहम गोच ही रहो बैठे। लिख लिया है, चौथा ड्राफ्ट है, बस एक दो चीजें बस बदलनी। जनता कहेगी मैं नाली में कूद जाऊं तो मैं नाली में कूद जाऊंगा, जनता नाले से खाली नाली में पहुंचे हो तुम 4 ड्राफ्ट में। नहीं नहीं डायरेक्ट नाला से नाली नहीं किया, नाला से पहले पहुंचे सीवर नाला, ठीक, लेकिन फिर वो अजीब पड़ रहा था, फिर उसमें क्या किया मैं सीवर टैंक कर दिया कि जनता कहेगी सीवर टैंक में कूद जाऊंगा ढक्कन खोल के, उसमें क्या बात है, लेकिन उसमें ये हो रहा था कि भैया एकदम पीली पीली गंदी गंदी में जा रही थी आपकी, तो अच्छा नहीं, आपका वर्चस्व डाउन हो जाता है फिर। तो हमने सोचा कि यार नाला ही रही तो, लेकिन नाला फिर वही है कि पहले ड्राफ्ट वाली चीज़ हो रही थी, तो हमने इसको चेंज करके नाली कर दिया, तो अब ठीक लग रहा है। मीडिया वालों से कह देना अपने मन से जो मन हो लिख दें, छाप दें अच्छा सा कुछ, तिजोरी से निकाल के पैसे दे देना। अरे यहाँ से ले लो, यहाँ पैसे हैं, ये कितने रुपए लेता है ये तुम्हारा राइटर? क्या बताएं कितने रुपए लेता है, इसको जो है 1 रुपया देने वाला नहीं। दद्दू हो तुम, हूँ बहुत परम, हमारे पेट पे काहे लात मार रहे हो? तुम्हारे पेट पर ही तुम्हारे खोपड़ी पे लात मारने वाला है कभा कहीं का। पूरे चुनाव भर तुमने इससे अपनी स्पीच लिखवाई है, नाली नाला हगना मूतना के आगे इसको कुछ आता ही नहीं। यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो लिखने वाला राइटर है, शकल देखो इसकी, शकल देख के आदमी को हंसी आती। नहीं नहीं एक बात है, शकल के मामले में नेताजी की भी शकल देख लो तो हंसी आती, और उनकी बातें सुन लो तो सबसे ज्यादा हंसी आती। समीक्षा करते हैं, चलो वैसे भी हमारा कुछ बच्चा होने वाला है, अगर लड़की होगी तो समीक्षा ही नाम रख देंगे अब। पापा देखो टीवी, देखो तुम टीवी पे आ रहे हो, देखो है कहा कौन टीवी क्या। हार के बाद देखिए पगला ये सांसद, मीम मार्केट को मिला नया तमाशा, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मजा आ गया ना पापा, देखो मजा आ गया ना।
देंगे, टीवी पे आएगी। जिंदगी झंड हो गई मटक रहा हूँ, जमानत जब्त हो गई मटक रहा हूँ, अपनी ही जनता को मैं खटक रहा हूँ, सबको लग रहा कि मैं अब भटक रहा हूँ, जिंदगी झंड हो गई मटक रहा। जिसके साथ राजनीति की बहुत बातें होती है उसको जरूर शेयर करें वीडियो। वीडियो खत्म हो गई भाई। इलेक्शन में होने के बाद जो संसद थे जो हार गए, साफ जाहिर है कि पहले जब वो सत्ता में थे तो बहुत माल छापते थे, मिनिस्ट्री थी और मनी लॉन्ड्रिंग करके जो सरकारी माल जो है वो जो इनको सरकारी घर मिला होता है उसमें ये तो इल्जाम लगा रहा है उसमें नहीं भाई, अक्सर होता है नहीं हुकूमत जो भी पैसा हुकूमत जिसकी भी हो जो भी जीत के आता है ज्यादा तो पैसे पकड़े जाते हैं वो कितने अभी तो हजारों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं भाई। तो भाई कहीं चिड़ियों में छुपाते हैं वो जो उसमें बार बार गद्दी निकाल रहा था वो सोफे में से निकाल रही थी। कहता तुझे अब निकाली तो बार बार निकाल ही लेती है। इन्होंने ज्यादा अपने घरों में छुपा के रखे होते, बैंकों में कम रखते हैं वो। ये ना लेडीज को वजह नहीं कोई बतानी चाहिए पैसे वाली, खास करके बाहर वो एक मूवी आई थी रेड, अजय की, अजय देवगन की मूवी थी, उसमें भी एक बूढ़ी थी बुढ़िया, वो भी बता रही थी कि बेटा ये जो है ना ये चीज जो है वो पहले नहीं थी, ये अब बनाई है, ये पीढ़िया भी अब बनाई है। वो सारा भेद खोल देती है भाई, वो जहाँ से खोते हैं वहां से भाई साहब माल निकलता है। तो खासतौर पर भाई साहब अगर किसी कोई भाई अगर पॉलिटिशियन हमारी वीडियो देख रहा है तो पैसे छुपाने के लिए भाई साहब किसी लेडीज को बीच में मत रख लिया, उसको राज मत बताए। ये इनके महिलाओं पर ये आप इल्जाम लगा रहे हो भाई साहब, नहीं यहाँ पर तुम उनको क्या समझ रहे हो, कहना क्या चाहते हो? नीचा नहीं दिखा रहे, उनके दिल में बात छुपती ही नहीं है। अच्छा वो राजदार नहीं होती है। हाँ ये भाई इल्जाम लगा रहा है तो हमारे पार्टी के आस पास देख लो गाँव में अक्सर पता क्या था, अक्सर लड़ाइयाँ पता क्यों पड़ जाती है गाँव में? अगर कोई अपनी दो सहेली मान के किसी को बताती है ना बात कि वो इस तरह की बात कर रही थी वो लेडी, तो वो क्या है जिसको वो बता रही थी ना अपनी दोस्त मान के, वो उसको जाके फौरन बता देती है वो तुम्हारे बारे में तो, और दो पल्ले से भी लगाती है बातें साथ। ये हकीकत है। अच्छा इनको ना जो भी सीटें आ रही है ना इनके साथ भी ये हुआ है कि जिस तरह शिवपुरा से एक ही नाम ले तो ज्यादा काफी, उसने इतराज किया मैं अपने नवाज शरीफ के ऊपर, अपनी बेटी को और खुद को तो आपने जितवा लिया लाहौर से, मुझे शेखुपुरा से क्यों नहीं जितवाया? मैंने आज से जब से उस माली में मतलब सियासत में आया हूँ मैं आपके पीछे लगा हूँ, मैं जीतता जितवाना उसने, लेकिन आप अपनी सीटें निकलवा रही है इलेक्शन कमीशन को कहेंगे मुझे हरवा दिया। अब वो सारा चिट्टा कट्टा सुप्रीम कोर्ट लेके पहुँच गया है नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ उनका अपना बंदा। हाँ तो दूसरी बात रही ये वही रोना रो रहे हम हार कैसे गए। दूसरी बात ये भी है कि जो बातें हैं ना आप कह रहे हैं ये कैसे आ जाते हैं, अब एक तलाक चौधरी साहब है जड़ वाले थे, मतलब वादे नाम एक बताता हूँ, उनको कहा था आप बैठ दो आप नहीं जीत सकेंगे, अवाम आपके खिलाफ हो गई है, एक नया शाह खिलाफ देखते हैं जो अवाम में मकबूल है वो जीत सकता है, आपको सैनल में सीट देंगे, वो बंदा हार गया तलाल चौधरी बैठ गया अपने वजीर आजम साहब का नवाज शरीफ पार्टी की बात मान के, आज तलाल तो सैनेट में चेयरमैन बन गया वो बंदा जिसको मुकाबला खड़ा रहा वो हार गया, मतलब एक कोई सीट जीतने के बावजूद भी इनको वजारत मिल जाती है, सैनेट में सीटें मिल जाती हैं, तलाल को मिल गई है, अल्लाह से लड़े साहब एक बंदा सरकारी गाड़ी पे वो उसके जान हो 24 घंटे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो और सरकारी खर्चे पे ऐशो इशरत
वो जो है ना वो जितने अपने पल्ले से वो सारे ऐशो आराम करना बड़ा मुश्किल होता है जब गवर्नमेंट के आवाम के टैक्स के पैसे भिजवाए प्राइवेट जेट पे घूमना वो अब नहीं मिलेगा हेलीकॉप्टर पे घूमना वो जब नहीं मिलता तो भाई सब टुकड़े ही होते हैं कंट्री के। वो कहते हैं आपके लिए हम कुछ जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप बोलोगे तो नाले में कूद जाना। एक तो कह रहा था कि दो बार चलो हम नाले काम करा हमने अब तीसरी बार जितवा देते हम कर देते हैं दो बार आपने कुछ नहीं किया तीसरी बार क्या करना है। वैसे एक चीज वो बोल रहे थे नहीं वो बोल रहा था कि दो लाख कितने वोटों से आ रहा है 8 लाख मतलब टोटल 9 लाख में से 1 लाख वोट इनको पड़ा 8 लाख जो दूसरे भी पड़ गया तो फिर भी आ गया है। तो कहता है भाई साहब 8 लाख कोई मार दूंगा जिन्होंने वोट दिए अगर काम किया हो ना तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जी। अच्छा नितिन गडकरी ने काम किए है वोट मांगने की जरूरत ही नहीं आवाम खुद खुद ही उनको जितवा देती है ऐसा है ना। मोदी साहब ने दरेलियों की अखीर कर दी है तो फिर भी हार गए कितनी जीते 240 सीटें कम है भाई टारगेट वो पहले वाला तो नहीं रहा ना वो डराना था टारगेट नहीं था यकीन मानो वो जुमला था। चलो उतनी सीटें पिछली बार जितनी जीते थे एग्जिट पोल वाला भाई साहब 4 से 5 लेकर बैठे थे लेकिन वो वही पिछली बारी कहते हैं कि भाई पिछली दफा 2 बार जो एग्जिट पोल ने रिजल्ट निकाले बताए वो तकरीबन ठीक ठाक रहे इस बार गलत इस दफा तो भाई बहुत ज्यादा ही गलत थे। तो ठीक है भाई अब बताइएगा अपनी राय जरूर कि जब एक जो नेता है जब दो तीन दफा जीता हो और अचानक से हार जाए तो उसकी लाइफ स्टाइल कैसा होगा लोग उसको किस नजर से देखते हैं उसका उसको रात की नींद जो है वो तो हराम हो जाती है ना। तो उसकी जिंदा मिसाल आप उसकी इज्जत शेख रशीद को देख लें। नहीं शेख रशीद लड़े थे ना उसको जेल में था। अरे उसकी हालत आजकल जो हुई है जब वजारतों में था तब उसकी जिंदगी कैसी थी आज वजारतों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इतनी इज्जत गवर्नमेंट ने जितनी शेख रशीद की है क्योंकि आर्मी का बंदा भाई। अच्छा वो तो हर चीज मिल रही है कनेक्शन के लिए है ना। चलो जी ठीक है भाई मेरा रुकता है कमर्शियल में मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह।